जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल पीस अवार्ड मिला तो पूरे देश में वाह वाह हुई, पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया, उनको बहुत अच्छे से रिसीव किया एयरपोर्ट पर। फिर उसके बाद रवाना हुए अपने सिटी के लिए, उनके शहर में भी लोग बाहर निकल आए उनका स्वागत करने के लिए, बहुत सारी बधाई मिली, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले और धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे अपने घर की तरफ। घर में भी लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग सुबह से शाम तक हो गई बधाई देते देते थक नहीं रहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी उस बधाई को लेते जा रहे थे। इतने में नजर पड़ी कि उनका बगल में रहने वाला एक पड़ोसी, वो भी बधाई देने के लिए आया। उस पड़ोसी से उनकी कभी नहीं बनी थी, खड़ूस पड़ोसी था ऐसे समझते थे सब। अब उसको देखकर टैगोर बोले कि अच्छा आज तो ये भी आ रहा है। वो पड़ोसी आया और रविंद्रनाथ टैगोर के सामने बैठ गया और उनको प्रश्न किया, तुम्हें ये जो अवार्ड मिला है क्या तुम इसको डिजर्व करते हो? ये सुनने के लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर तैयार नहीं थे, ये पड़ोसी ने क्या बोला। एक सेकंड के लिए तो ये भी सोचा ये तो हमेशा की तरह खड़ूसी रहेगा, लेकिन फिर आगे वो पड़ोसी बोला कि तुमने हजारों कविताएं लिखी जिसके अंदर भगवान का वननेस का चर्चा की, मेरी आंखों में देखो क्या तुम्हें रब दिखता है? सारा नशा सुबह का उतर चुका था, अब खा क्या उनकी आंखों में रब दिखेगा? तो वो पड़ोसी बोले बस ऐसे ही है। ठीक है, बधाई देके वो चले गए, लेकिन उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की नींद चली गई। देर रात में भी उनको नींद नहीं आई और उठे और उठ के नदी के किनारे जाकर बैठ गए। पूरी रात निकल गई, देखा कि सुबह सूरज उगाया था और उन्होंने देखा कि सूरज की परछाई नदी में, परछाई देखकर उनके मन में कुछ चमका, एक सूरज एग्जैक्ट वैसा ही सूरज नदी में भी दिख रहा है। वो खड़े हो गए और अपने घर की तरफ चलने लगे और रास्ते में देखा रात भर बरसात हुई थी, जगह जगह पानी भरा था और छोटे छोटे तालाब बने थे, हर तालाब में उनको सूरज नजर आ रहा। एक सूरज लेकिन कई सूरज, नदी में भी सूरज, तालाब में भी सूरज। ये देख के उनके अंदर कुछ और चमका। उसके बाद घर जाने से पहले उस पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया और बोले कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन, आज मुझे ज्ञान हुआ, गॉड इज वन और वो सभी के अंदर वही है। सूरज तो एक है लेकिन वो नदी में भी है, तालाब में भी है, गटर में भी है, मुझे दिखता है, मुझे तेरी आंखों में भी रब दिखता है। आज मुझे इस नोबल पीस अवार्ड से इतनी खुशी नहीं मिली जो ये ज्ञान होने से मुझे मिली है। आई एम सो ग्रेटफुल आपके लिए।